और इसी में इक्विलिब्रियम में ही हमको एसी बेस एंड साल्ट नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट आज करने वाले हैं। थोड़ा सा ज़्यादा समय तक चलेगा टॉपिक ये एसिड एंड बेस हम लोग इसमें से छार है ना हम और छार दसवां वाला पढ़ लिया होगा तुरंत तो भेज दे तुरंत भेजे थे कितना कुछ भेजा हुआ है सब तो उसी का भेजा हुआ है ना जाएंगे तो हम लोग उसका फिर यूज करेंगे समझा गया ना। ये सब इमेज खोजे हैं मेहनत से गूगल बाबा पर पढ़ोगे तो पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन आती है। तो एसिड एंड बेस क्या होती है हम लोग बात करेंगे इसकी परिभाषा। हाँ गप नहीं सुनो मेरी बात को। इसकी परिभाषा पहले ये जान लो कि एसिड जो है फ्रॉम लेटिन वर्ड एक में निकालो पीडीएफ वो जो भेजे थे आज एक ठो। हाँ फ्रॉम लेटिन वर्ड एसिडस किससे आया है एसिड जो वर्ड आया है ना वो किससे आया है एसिडस आया है मीन्स उसका मतलब होता है सोर मतलब खट्टा बन जाएगा ना। एसिड वर्ड कहाँ से आया है लेटिन वर्ड सोर्स आया है से बहुत चीज़ है क्या करोगे रोको दो क्या रोक दो तू नहीं मानना क्या लिखा है किसके अंदर समझ में आ गया ना। देखो कितना काम का चीज़ केम स्किनर है बड़े बड़े महारथी भी इसका यूज करते हैं ये तो पहले पी एस बारे में ही बताया है यहाँ पर समझ में आ गया ना। तो हम लोग जो है ना इसके बारे में बहुत सारी जानकारी पढ़ेंगे इसकी डिफिनेशन हम लोग दो आधार पर देंगे मोड़ने मोड़ सकते हो इसको है ना ठीक रहेगा बढ़िया। इसका डिफिनेशन हम लोग दो आधार पर देते हैं तुम ये बोल लोग नया सिस्टम है मोटा लगता है लोग ने कहेगा नया डी एम आई लेते हैं ना तब ऑन द बेसिस कवर ठीक है ऑन द नया मोबाइल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड कंसेप्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जितना एग्जाम देगा सब में आएगा समझ जाएगा ना। ऑन द बेसिस ऑफ देख रहे हो ना इसमें हमारे सामने में सबूत रखा हुआ मेरे पास है ना सबूत रखा हुआ तो समझ सकते हो हम लोग इतना पढ़ लेंगे कि बाद में फिर नहीं पढ़ना पड़े। ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड कंसेप्ट पुरानी विचारधारा के आधार पर वो नहीं आया हाँ तो रौनक बोला था हमको भी पढ़ना था पुरानी विचारधारा के आधार पर समझ जाएगा ना पुरानी विचारधारा के आधार पर पढ़ेंगे और फिर हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ेंगे आधुनिक विचारधारा के आधार पर समझ जाएगा ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड कंसेप्ट इस सिद्धांत के आधार पर अम्लीय पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं खट्टा होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं खट्टा होते हैं। खट्टा का पहले मीनिंग बता दिए एस ओ यू आर टेस्ट में शोर होंगे जो स्वाद में खट्टा होते हैं समझ में आ गया ना वो चीज़ हो गया अम्ल वो चीज़ पानी कृष्ण के लकल जो स्वाद में खट्टा लगता है और नीले लिटमस पत्र को क्या करता है और अधिकांश पदार्थों को घुलाने की क्षमता रखती है ठीक पता होगा तुमको बताएंगे उसमें देखा होगा पढ़ा था ना वो तो नहीं पढ़ा होगा कोई नहीं हाँ तो एक कन्फ्यूजन होता है काफ़ी याद देखने होता है ना कन्फ्यूजन हम क्या करेगा अभी तो पढ़ लोगे बाद में भूलेगा तो ठीक से हम लोग याद रखते हैं ए से हो गया अम्ल अम्ल करेगा नीला को लाल तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को अम्ल नीले अच्छा एक लिटमस पत्र के बारे में बताना पड़ेगा नहीं लिटमस पत्र समझते हो एक पेपर होता है पतला सा बन जाएगा ना उससे हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है ना वो एसिड है कि बेस है उसी लिटमस पेपर कहते हो बन जाएगा ना।
और कुछ नहीं है। सर्च मार्क निकालो लिटमस पेपर, पता चल जाएगा। अम्ल एसिड है ब्लू लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को, पेपर को क्या करता है? लाल करता है, रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा, लाल करता है और अधिकांश पदार्थों को घुलाने की क्षमता रखता है। यही हो गया, क्या हो गया? यही अम्ल हो गया। समझ में आ गया ना? इस बात का ध्यान रखना है, लिटमस पत्र को जो भी अपना है। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। अम्ल क्या करेगा? नीला क्या होता है? हाँ, तो जो भी होता है नीला जानबे करती है तू। उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में कन्वर्ट कर देगा, एसिड हो जाएगा वो, अम्ल कहेंगे उसको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये तो देखा अम्ल का परिभाषा ना, किसका डेफिनेशन देखा है ना। ये हम लोग देखे अम्ल का किस आधार पर देखे हम लोग? एसिड का देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड कंसेप्ट, पुराने विचारधारा के आधार पर देखा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब छार का देखेंगे, मतलब पहले के समय में ऐसे होती थी, समझ में आ गया ना। इंग्लिश हिंदी सेमी लिटमस पेपर ही होगा शायद, सेमी होता है ना इंग्लिश हिंदी? लिटमस पेपर इंग्लिश हिंदी सेमी होता है, लिटमस पेपर। अब देखो बोलना चाहिए तो है ना, सुनी मेरा, उनको लिखने के लिए नहीं आता है, व्हाट्सएप पर बैठ टेक्टिंग करेगा, अभी लिखने के नहीं होता है। बोले के हाँ सुनो ना, छार बेस तो छार वे पदा लो, मोबाइल खाली रखते हो, वर्ड गड़बड़ा गया इसलिए नहीं होता है। पहले जैसे जैसे था ना वैसे वैसे नहीं है, उससे उल्टा पुल्टा आ गया, खोजना पड़ता है किधर। अरे वाह वाह, खाली मोबाइल चलाते हो, हम मोबाइल चलाएंगे। देख रहे हो ना, ये कटोरा में रखा हुआ है जो भी मटेरियल है ना रखा हुआ। और देखते हो कलर इसका चेंज हो रहा है ना, नीला है तो इस प्रकार से अपना होगी। तो हम लोग इसी प्रकार से जब टेस्टिंग करते हैं ना तो रखते हैं सामान को, समझ में आ गया ना। तो यही लिटमस पेपर होती है, हमने लिटमस पेपर सर्च मारा है तो उस प्रकार से कलर दिए, जैसे यहाँ पर देख सकते हो है ना। मेरे पास तो यहाँ सभी में जो उपलब्ध हो जाएगा। अब जैसे देखो एड सब प्रचार अपना करता है। अब देखो जैसे ये ब्लू लिटमस पेपर है, ये देख रहे हो ब्लू है ना, समझे बात को। हर एक चीज़ ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, अब ऑनलाइन में देखेगा तो तुमको दिखाई ही नहीं देगा, तो अभी से हम क्या कर सकते हैं, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। ये देखो एसिडिक है, यहाँ देखो ये एसिडिक लिखा है, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा हुआ, एसिडिक जीरो से ये पीएच स्केल होती है। अभी मत, अब हम लोग नहीं जानते पीएच क्या, आगे जानेंगे क्या होती है। नहीं अभी जान लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो जीरो से क्या लिखा हुआ, यहाँ तक डिजिट आएगा तो सात छः लिखल है, यानी छः लिखल है ना, सात तो न्यूट्रल हो गया, फिर सात के बाद उधर क्या अल्कलाइन लिखल है जो भी अपना है। अच्छा तो इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे बारी बारी से। एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इंटू रेड, एसिड कन्वर्ट करता है ब्लू लिटमस, किस में करता है कन्वर्ट? रेड में करती है कन्वर्ट। अम्ल नीला, नीला इंग्लिश होता है ब्लू, नीला किस में लेगा? रेड में। क्या वही लिखा हुआ है? अच्छा ये जो सॉल्यूशन इसमें रखा हुआ है किस टाइप का सॉल्यूशन है? ये एसिडिक सॉल्यूशन है, हमको नहीं पता ये बात है, हमको पता ये बात नहीं है। मतलब पहले छार पढ़ लो फिर उस बारे में पुनः डिस्कस करेंगे, उस बारे में छार क्या करती है चर्चा करेंगे फिर से, कंसेप्ट इतना क्लियर कर देंगे, बाद में फिर मत पढ़ना। पढ़ना होगा तो इसी लेक्चर को देख लेना, या नहीं याद रहेगा तो नोट्स पढ़ लेना, थोड़ा नोट्स लेना दिक्कत होगा फ्रैक्चर को लेक्चर देख लेना अपना। छार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, तीखा होते हैं, कड़वा लगते हैं और बिटर लगते हैं। तो पहले छार देखो, फ्रॉम अल्कली, ए अल्कली अरेबिक वर्ड मीन्स एसेस ऑफ प्लांट्स, फ्रॉम अल्कली। हमारे बुक में छार के बारे में कुछ कहा है? अम्ल हाँ तो ठीक है ना, हाइड्रोजनेशन उत्पन्न करके उस प्रकार ठीक है, कोई बात नहीं है। तो छार क्या करता है? छार जो है ना वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीखा लगता है, कड़वा, स्वाद में उसमें कड़वा लिखा है, ठीक है एक ही बात तो हुआ ना, तीखा या क्या होगा, कड़वा लगता है, ये चीज़ हो गई स्वाद। तीखा मतलब बीटर टेस्ट आएगा, बी ए डबल टी आर, बीटर मतलब तीखा होता है ना।
इसका टेस्ट कैसा होता है, बीटर टेस्ट होती है, समझ में आ गया ना। और ये क्या करेगा, लाल लीट मस है ना, लाल लिटमस पेपर को, पेपर या पत्र को होगे, उसको क्या करेगा, नीला करता है। और अधिकांश पदार्थ घुलाने घुलाने की कैपेसिटी रखेगा, क्षमता रखेगा। मान लो मेरे पास दो ग्लास है, एक ग्लास ये है, इसमें अभी कुछ रखा हुआ है सॉल्यूशन में, कुछ रखा हुआ है नहीं, हम तुमको पूछेंगे बताओ कि ई अम्ल है कि ई अम्ल है, अम्ल कौन है, तुमको पता है एसिड है। अब किस ग्लास में एसिड है तो पता नहीं है ना, इस ग्लास में एसिड रखोगे पता नहीं है, हाथ देगा तो बुझे करते हो क्या होगा, उसके बाद तुम एसिड डालने के बाद फिल्म में खूब देखता होगा, सैडी सीरियल में एसिड फेंक देता है चेहरा पर, खूब देखने लगता है बढ़िया, सैडी सीरियल में क्या देखता है, देखने में थोड़ा सा बढ़िया लगता है, कोई क्रैम करेगा तो एसिड उसको गला देता है पूरा, पता नहीं चलेगा कौन नहीं। अच्छा तुम लोग दैनिक जीवन यूज करते हैं, फिर बताएंगे कि पेस्ट में जो तुम पेस्ट धोते हो, बाबा रामदेव का जाया है, पतंजलि का पेस्ट, दंतकांति और भी बहुत सारा पेस्ट है, तो पेस्ट छार ये नेचर का होती है, वो ऐसा क्यों होती है हम लोग भी जानेंगे, उसके बारे में डेढ़ दिन करेंगे, समझ में आ गया ना। तो पहले हम लोग ये जैसे मैंने बताया, एक ग्लास में रखा हुआ है कोई सॉल्यूशन और दूसरा में रखा हुआ है कोई सॉल्यूशन, एक गोम अम्ल एक गोम छार है, लेकिन किसमें अम्ल किसमें छार हमको बात पता नहीं है, हमको पता करना ही बात है नहीं, कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं है। अच्छा जिसमें अम्ल रखा होगा हम क्या करेंगे, दो गो लीटर पेपर लेंगे, लीटर पेपर बुझे करते पतला से पेपर होता है, एक लेंगे ब्लू का, एक लेंगे रेड का, एक लेंगे नीला, एक लेंगे लाल, दोनों ग्लास में डाल देंगे, ब्लू को इसमें भी डाले, मान लो ब्लू नीला को इसमें भी डालेंगे, मान लो इसमें डाले हैं, यदि ये नीला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लाल, तो बुझ जाएंगे पक्का यही अम्ल है, कि क्या होगा अम्ल होगा। अब इसमें डाले लाल लिटमस पत्र को, लाल को कर देगा यदि नीला तो क्या बुझेंगे, छार है, रेड को कर देगा ब्लू, बात समझ जाएगा ना। उसी एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर ये लैब का इस प्रकार से करोगे, तुम लैब में मान लो तुम्हारे पास है तो इसी प्रकार से लैब में एक्सपेरिमेंट को किए जाते हैं, है ना। तो ये लिटमस ये हो गया, एसिड कन्वर्ट करता है ब्लू लिटमस इनटू रेड में, ये ग्लास रखा हुआ है, एसिडिक सॉल्यूशन इसमें है, ब्लू लिटमस पेपर इसमें डाला हो, इंग्लिश हिंदी सेम ही होता है लिटमस का, LITM या लिटमस ये डाले हो तो देखो ये ब्लू था ना, अटाला जहाँ तक अंदर गया वो कैसा हो गया है, लाल हो गया। अब रेड लिटमस पत्र को देखो लिए हैं यहाँ पर, रेड ऊपर रेड है ना, पूरा रेड है, अब बेसिक सॉल्यूशन डाला तो इसमें किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया, बेस कन्वर्ट्स रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस पेपर। ये यूनिट अभी पीएच हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जब समय आएगा तो पीएच देखेंगे, अभी पीएच का समय नहीं आया है, नहीं समय आने पर ही हम उसको पढ़ाते हैं, जब तक समय नहीं आएगा टॉपिक्स को नहीं पढ़ाएंगे, तो दिक्कत। चलो आशा है कि इतना समझ में समझाने के बाद आ गया होगा। चलो तो फिर हम लोग ये इमेज भी डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि फिर पढ़ाएंगे तो फिर इमेज काम देगा हमको, इमेज से देखो पढ़ाने के बेनिफिट क्या, अच्छा समझ में आता है और समझाने में भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत। अच्छा ये बात तो हो गई, अब हम लोग आगे फिर बात करेंगे हम लोग, खोलो टेलीग्राम, आगे फिर बात करेंगे कि ये जो एसिड है मतलब ये कहाँ कहाँ से मिलेगा तुमको, जी सोर्स ऑफ एसिड क्या क्या है, लिखेंगे नहीं सारा चीज़ लिखा नहीं जाता, तू ही लिखना यहाँ, वो चीज़ तुम्हारे किताब है दसवां पढ़ाते हैं बात, दसवां वाला लिखेगा, समझना क्या ना, एसिड कहाँ कहाँ से मिलेगा, लाइट बढ़ाए हो पूरा, थोड़ा सा बचा, थोड़े से का तो मैं है, सोर्स ऑफ एसिड कहाँ कहाँ से मिलेगा, फिगर बार देख रहे हो ना, यही सब जगह से एसिड थोड़ा सा रख रखो फट जाएगा, तो हीरा है ना ये इसको खूब भंजाएंगे, क्या साल भंजाएंगे हमको भी नहीं पता, जब तक सूरज चांद रहेंगे यहाँ पर तब तक भंजाएंगे, कहेगा उत्पादन कैसे रहिएगा, अरे दूसरा गर्म दे रहे हैं उन्हें रहेगा, वो दूसरा दे देगा तो वही तो हुआ ना, फिर समझ में क्या बात है, कुछ आगे का सोच रखा करो। सोर्सेस ऑफ एसिड कहाँ कहाँ से मिलती है और उसमें किस टाइप्स का एसिड पाया जाता है, एसिड बहुत प्रकार के होती है, एसिड मेटिंग पढ़ा होगा, फर्मिंग टर्मिंग अराइवल सब होती है, जो भी है जैसे सोर्स ऑफ एसिड, जैसे हम लोग यहाँ पर देखो लेमन में बात करेंगे, नींबू में बात करेंगे तो उसमें सिट्रिक एसिड होती है, रट लेना टीटीआई क्वेश्चन है एग्जाम में खोप देगा,
और जो टमाटो में टमाटर में बात करोगे तो ऑक्सीजन की चीज़ मिलेगा फिगर के साथ। बोलो समझ में आ गया, रटना ही सब सोने वाला है क्या। तो ग्राफ्स में अंगूर में बात करोगे तो टार्ट्रिक एसिड मिलेगा इसमें, कोई दिक्कत। अब कहेगा एसिड एंड बियर सोर्सेज, दूध में बात करोगे तो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाती है। और एग्जामिनर का मौसी है ये नहीं है, बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि लाल चीटी में क्या पूछा जाता है, तो उसमें ये अंत में चीटी में अपना जो है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाती है। समझ में आ गया बात। फिर यहाँ एबर में बात करेंगे मौलिक एसिड पाया जाता है, मौलिक अम्ल, समझ में आ गया ना। फिर यहाँ विनेगर मतलब सिरका का, तो उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो कुछ ये सोर्स हैं, पहले फिगर ही सबका दिखा दिया, इसमें ये पाया जाता है। सेब खाओगे, ले लो खा लो, खा ले लो, मोबाइल साइड पे ना करो, मान लिया कि तू खा लिया ना, चलो मना कर ना, लो पैसा लो फिर सेब खा लिया तो मना कर दे दे, हम मना कि नहीं लिया नहीं। देखो एसिड और बेस साथ दिखते कैसे हैं, कुछ ऐसा दिखते हैं एसिड, कुछ ऐसा बेस, कुछ वैसे तो कलर अलग अलग होती है। मान लो ऐसा ऐसा बर्तन रखा हुआ फ्लैक्स में है ना, तो हम लोग ये सब चर्चा थोड़ा सा कर लिए। अभी बहुत सारी बात इधर करेंगे तुम लोग के साथ, नहीं करेंगे हैं, नहीं करें छोड़ दें क्या, करिए क्या करेंगे बात विचार, कर लिए करिए, कल ले करेंगे ठीक है, तब छोड़ देते हैं यार। अब फिर पढ़ लेगा तुम से। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, पुरानी मतलब आधुनिक विचारधारा के आधार पर, ये तो पहले का लोग कहता था इसे, आजकल फैशन हो गया है ना, तो फैशन के साथ दुनिया बदलती है। पहले चलता था धोती कुर्ता, चलता है कोट पैंट, साथ में जाएगा पहन के तभी कहेगा शरीफ, और नहीं पहनेगा तो कहेगा लड़का को पाइए नहीं है। धोती कुर्ता पहन के जाए कितना लोग दूसरे का कहने का वर्णन नहीं है, और फिर उसको दूसरा जमरवा पहनेगा कहेगा तू तो हमसे ही बना बेवकूफ़ है, हमको कहे पहनाते हो, कोट पैंट पहन के शादी हम करेंगे, नहीं 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 धोती कुर्ता ही पहनना पड़ेगा, फिर पहन गए तो क्या बेवकूफ़ बनाया तू हमको, सोचने वाली बात है। वो करेगा तो ठीक है, हम करेंगे तो गलत है, बहुत बहुत समझ आ गया ना है, कोई दिक्कत। तब पंडिया जी को ठाठा पटक, हाँ उसको ही पढ़ाएंगे ना, उसको पढ़ाना चाहिए, आप ही पढ़ाइएगा, हम तो पढ़ाएंगे ही जरूर पहले पास होगा। ऑन द बेसिस ऑफ, देखो यहाँ नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ, शादी में जितना मंत्र पढ़ना चाहिए ना, और किस मंत्र का क्या मतलब होता है बेवकूफ पंडित तुमको क्या बताएगा, कि किताब मार्केट का देख भी बताएंगे हम, वो किताब तो खरीद लेना, शादी करके उस पर सब किताब आती है, उस सब पढ़वाना लेन बाय लेन, उसको कहना जब तक खत्म नहीं होगा तब तक खत्म नहीं होगा, तब तक चलना चाहिए। वो दो चार को स्वाहा स्वाहा चल वो करता था एक्सेस, अरे स्वाहा स्वाहा नहीं कह देता दो चार बार, दर्शन दीजिए एक टका निकाल दे देना, माना कि दर्शन ले लिया समझा गया ना। आजकल इतना सुकुमार हो गया है, पंडित तो बन गया लेकिन उसको मंदिर याद ही नहीं है, नहीं ना ऑफिशियल पंडित। हाँ तो तू किताब गिन लेना एगो उस चीज़ का। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न, कितना बात हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, कहाँ गया था इतना देर से, भुंजा खाए से दम से आराम कर ले, ठीक है कोई बात नहीं है, हाँ तो यूट्यूब पर है ही, वहाँ से पढ़ लेगा, दिक्कत वाला बात क्या है क्या। आधुनिक विचारधारा के आधार पर बना के, अरे यूट्यूब पर तो बाथरूम में रहेगा तो वहाँ पढ़ लेगा, छोड़ो धुन में नहीं हो रहा है बैठे देखते आधुनिक विचारधारा के उधर हल्का पढ़ करेगा अभी, आधुनिक विचारधारा के आधार पर समझ में आ गया ना, आधार पर अपना लेकर आया है आधुनिक विचारधारा के आधार पर। ऑन द बेस गप मत करो, नहीं तो फिर कहीं चला देंगे हम। इस आधार पर अम्ल और क्षार की परिभाषा से संबंधित तीन सिद्धांत दिया गया है, और दसवां का एग्जाम ऑब्जेक्टिव यहीं से आएंगे जी सर, दो घंटा ज्यादा है, कौन ज्यादा जाता है कौन, अरे नेक्स्ट तो आम सब कुछ है आजकल, वो सब बेरबक वाला क्वेश्चन, वो तो अनिल बास याद रखना, अम्ल हाइड्रोजन आयन पर लिखा लोग अनिल होता है ना जी सर, इसे रखना याद, अनिल बाबू इधर दो थप्पड़ लगाना, अरे समझाने के लिए है तो अम्ल नीला क्या करेगा, लाल वो भी घुसाएगा, कहेगा नहीं नहीं हम लाल को करेंगे नीला, एक रति का ही ठीक ठीक रखना याद, खूब कम जाता है एग्जाम में, मैं भी पहले खूब भूलता था लेकिन अब नहीं भूलते हैं इसको, भूल जाते हैं बोलता था ना, अब भूलेगा, अनिल को पकड़ना तो थप्पड़ लगाना गाल में, इधर से मारेगा तो अम्ल करेगा नीला को लाल, फिर उधर से मारना लाल कर देगा नीला, समझ में आ गया ना,
अनिल गोलमोल गोलमोल घूमेगा आगा चलो आधुनिक विचारधारा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट समझ में गया ना। इस आधार पर अम्ल और क्षार की परिभाषा तीन सिद्धांत के आधार पर दिया जाता है। पहला गॉप नहीं आर हेनियस थियोरी, आर हेनियस का सिद्धांत कितना थी दे एक दो तीन चार पाँच कभी ना बयांच आरहेनियस सिद्धांत और है तो लेकर ना बराबर की कर दो तीन देंगे यार। पीरियडिक टेबल में कितना था पीरियडिक टेबल? हाँ तो अब क्वेश्चन एग्जाम छूटता भी जाके देखो तुम बनाओ नहीं छूटेगा क्वेश्चन वरना के ना हम लोग उतना पढ़ लेंगे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा टॉपिक। आधुनिक गॉप मत करो, आधुनिक विचारधारा के आधार पर आरहेनियस थ्योरी का मतलब अम्ल की परिभाषा ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट के आधार पर तीन गो थ्योरी इसके लिए है। एक है यानी कि अम्ल का परिभाषा देंगे तीन गो बेरोजगार लोग बोले थे, एगो आरहेनियस साहब, एगो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी, एक लेविस थ्योरी। और मैट्रिक में पढ़ना है बस ओनली फॉर आरहेनियस, बाकी दोनों नहीं पढ़ना है। तो अब पढ़ रहे हो तो भी पढ़ लो, तो हम लोग देखेंगे कि क्या होती है ना। ठीक है ना, बोलो आरहेनियस थ्योरी क्या है। मैट्रिक में पढ़ा था खूब, वहाँ को क्या हुआ था एसिड कह रहा था ACIDAC खूब जोर जोर से हम भी जोर जोर से कहवाएंगे बोलो ACIDAC मतलब अम्ल है रटो दस बेर दिन काट लगे इसी में तुमको वर्ड याद हो जाएगा कि हमको तो मीनिंग वर्ड मीनिंग याद हो गया अब क्या करेंगे हम अब तो अनर्थ हो गया बोतल पानी कहाँ गया ना। इससे भी काफी ऑब्जेक्टिव पूछती है एग्जाम आरहेनियस थ्योरी के अनुसार से अम्ल क्या होती है। तो आरहेनियस थ्योरी के अनुसार से अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय जल में घोलेगा ना उसको जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में कौन आयन देंगे H+ आयन देंगे यानी कि एसिड वो होंगे और क्षार जिसे कहते हो बेस वे जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ पानी ले लो ना किसी बर्तन में उसमें एसिड को मिलाओ एसिड को मिलाएगा ना तो आयन में टूट जाएगी, यदि अम्ल होगा ना तो H+ आयन टूटेगा, यदि क्षार होगा तो वो OH- आयन में ब्रेक हो जाएगा नहीं। तो इस प्रकार से रखनी है याद, ये किसके अनुसार से होती है आरहेनियस अनुसार से इंग्लिश में लिखा हो एसिड मतलब होती है इस प्रकार से। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं HCl मान लो फॉर एग्जांपल सब HCl लेगा HCl ले लेगा इसको वाटर की उपस्थिति में क्या होगा ये डिसोसिएट होगा डिसोसिएशन मतलब टूटेगा ब्रेक करेगा या एक्वा सॉल्यूशन डिलीवरी उसको अम्ल था ना थोड़ा सा रखना ऊपर लगा जब भी अम्ल जैसे निकाल कर पानी मिला देना देखना क्या होती भी मत रखना बहुत खतरनाक होती है तो खुलेगा तो बस है ना गायब पवन देव सृष्टि का अवतारी पुरुष। तो HCl ई टूट जाएगा H+ में और ये टूट जाएगा HCl- में इस प्रकार से होती है ना। HCl अब तुमको पता करना है इसका नाम नमक अम्ल भी है और इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है नमक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक इसी भी सिखाएंगे या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हो कई नाम इसका है। देखो लिख देते हैं इसका नाम है नमक अम्ल इंग्लिश हिंदी सेम है नमक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HYDRO CHO CHLORIC हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और क्या बोले थे हाइड्रोजन क्लोराइड ऐसे नहीं लिखा जाता है ना। तो ये सब बात रखना ध्यान में समझ में आएगा ना। तो H+ और सेलन टूट गया तो यहाँ इसको जल में जैसे घोलाते कौन आयन दिया ये H+ आयन दिया तो इसीलिए H+ है ना तो आयन हो गया तो इसीलिए ये क्या हो गए एसिड हो गए पेजला वगला दो बढ़िया
पेज नंबर 3 लिख पेज 2 दोनों इहो में 3 लिख रहे छे बढ़िया गजब लोग तू लोग टेक्निक नहीं लगाते हो हम बताते हैं ये लिखना यहाँ मत लिखना कोई भी पेड़ देना जो आएगा वहाँ नंबर बिठा देना सीधा समझ में आ गया ना बात को टेक्निकल दिमाग लगाओगे तभी ना ये भी लिखना है पेज लिखना डैश करके छोड़ देना और यहाँ जो बैठाएंगे तो वहाँ हम लिख देंगे पलना पेज और समझ में आ गया ना हम भी बने बनाने में सही करते हैं नहीं लिखते थे ना इसीलिए हम लोग कलम खर्चा नहीं होगा मेहनत नहीं लगता लिखने में हम लोग लिखते हैं तो फिर कलम खर्चा आता है तुम्हारा हाथ से लिखा है ना हाथ मेरा दर्द नहीं करेगा उतना में समझ गया ना फालतू का चीज अब चलो वो एग्जाम नहीं पूछेगा तुम्हारा काम हो तुम लिखो अब आगे देखो हम लोग क्या करेंगे और सारा बहुत सारा ऐसी हम लोग तोड़ के देखेंगे जैसे हम लोग एस टू एस फोर को लेंगे उठा करके पानी में पटक दिए उसको एक कोस में जल की उपस्थिति में ये क्या होगा एच प्लस आयन में ब्रेक करेगा और एस ओ फोर माइनस आयन में ब्रेक करेगा एच प्लस आयन अब टूट गया ये और एस ओ फोर माइनस माइनस आयन में ब्रेक कर गया रिएक्शन को जब करेगा बैलेंस तो यहाँ हाइड्रोजन क्या को है यहाँ क्या हाइड्रोजन आ जाएगा और सल्फर एस ओ फोर है ही तो चीज में दिक्कत नहीं है समझ में आ रहा है ना बिल्कुल तो एच प्लस है ना ये क्या होंगे अम्ल हो गए अब हम लोग कुछ क्षार का देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को एक्वास करेंगे जल की जलीय घोल AQ मतलब AQOS एक्वास सॉल्यूशन होती है आजकल फैशन आ गया AQ डॉट मार दो हो गया समझा गया ना इसको जब जल में घोलेगा तो सोडियम टूटेगा Na प्लस आयन में और हाइड्रोक्साइड टूटेगा OH माइनस आयन में तो जल में घुलने पर NaOH क्या दिया OH माइनस आयन दिया इसीलिए ये क्या हो गए क्षार हो गए फिर पोटास इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड समझ में आ गया ना ये सोडियम का आयन हो गया और ये हाइड्रोक्साइड आयन हो गए तो फिर हम लोग पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH को लेंगे और KOH को एक्वस करेंगे जले विलयन की उपस्थिति में तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड है तो पोटासियम टूट जाएगा किस में के प्लस में टूट जाएगा और हाइड्रोक्साइड टूट गया और तुमको समझ में आ रहा है टॉपिक शुरू का ये नहीं आया ये भी आ रहा है तो बढ़िया वाली बात है वैसे आप नाइन्थ से क्या पढ़ा पता नहीं हम बेसिक जरूर टेंथ का पढ़ा दिए थे सब बात पढ़ा हुआ है ना बेसिक बताने बता दी सारा बात प्लस का है हुआ माइनस का है हुआ क्या प्राइवेट कर है वो प्राइवेट नहीं है वो मतलब प्राइवेट लैग इसीलिए है समझ में आ गया ना जितना तुमको चाहिए वो सारा पब्लिक है ये समझ में आ गया इस प्रकार तुम लोग काम करेंगे समझ में आ गया ना बहुत सारे एसिड के नाम होती है चार्ट होती है ना तो अब कौन एसिड है कौन क्या है तुमको पता होगा ये बात तू मैट्रिक में पढ़ा होगा नहीं देखो तुरंत कहाँ गया गूगल सर्च कहाँ है हाँ गूगल सर्चर यहाँ है ना हम तुरंत दिखा देते हैं तुमको लिस्ट ऑफ एसिड का लिस्ट ऑफ एसिड हाँ इसको हाथ कर रखो उधर करके थोड़ा सा ये देखो ये चार्ट है और नहीं इसमें से वो नहीं है इलोमेट्रिक वाला पढ़ाई थे जितना तुमको उतना ही याद करना है समझ में आ गया ना तो इसमें तो अच्छा इमेज नहीं पता चल रहा है वैसे हालांकि तो हम लोग देखते हैं देखो लिखवा देंगे है ना लिखना होगा ना जैसे तुमको पता होगा जो भी चल आएगा नाम तो जानकारी में आ जाएगा देखो इस इमेज को ग्रुप में डाल देना यहाँ से कुछ सीर का नाम यहाँ लिखा हुआ है जो कि तुमको याद कर लेना है जैसे Cr- माइनस को बोलेंगे क्लोराइड आयन हो गया CO3- माइनस टू बोलेंगे कार्बोनेट आयन हो गया NO2 ये सब नाम है HCl का क्या नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रट लेना अभी लिखा है ना हम H2CO3 का नाम है कार्बोनेट एसिड इसका नाम है नाइट्रस नाइट्रिक एसिड है ना नाइट्रस है NO2 है ना NO3 है नाइट्रिक हो गया H2SO3 SO3 बोलेंगे तो सल्फ्यूरस एसिड होगा सल्फ्यूरस SO4 बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे और CH3 सिर बोलेंगे एसिटिक एसिड बोलेंगे समझ आ गया ना तो ये सब की ध्यान रखना है ठीक है ना जी सर खोलो अब चलो लिमिटेशन ऑफ अच्छा मतलब ये बात तो आर्यनिया साहब कह करके अपना चल बसे नहीं आर्यनिया साहब ये सब बात कह करके क्या हुआ चल चल बसा
लेकिन क्या हुआ इसके पीछे, इसके बाद ये हुआ कि उसका सिद्धांत सब जगह काम नहीं करता है। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, कॉपी वहाँ पर मत रखो, हाथ फट जाएगा ना, कमजोर है, कमजोर है ना, हाँ बहुत मतलब नहीं बुझको, नॉर्मल टाइप तो पढ़ल लिखल लोग हो तो ये से करते हो, पढ़ल लिखल लोग हो ना। तब सर इसको अंग्रेज छोड़ के गया। आरेनियस का जन्म स्वीडन में उपसाला के निकट हुआ था। सन 1884 में उन्होंने उपसाला विश्वविद्यालय में विद्युत अपघट विलयन की चालकताओं पर शोध ग्रंथ थेसिस प्रस्तुत किया। अब बाकी तुमको इसके बारे में जानकारी देना है, समझ आ गया ना, एग्जाम बता रहे हैं पता है, एग्जाम ये चीज नहीं, नहीं पूछना है, इसीलिए हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, समझ में आ गया ना। आगे फिर पढ़ो, कोई दिक्कत? पवनदेव अवतारी पुरुष महान, अब देखो यहाँ से नहीं है महान, कल से पूजा करना मंदिर में, बना लेना घर में, फोटो निकलवा लेना, फ्रेम लगा देना बढ़िया से, सब चीज आराम से अच्छा से, और देखना होगा तो इसको घर पर रख दे देना, आगे चलो। इसका कुछ लिमिटेशन ही है, आजकल यदि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ करना पड़ेगा तो ये नहीं पूछेगा कि अम्ल आयन के अनुसार एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, अपवाद में क्वेश्चन पूछता है आजकल, समझा गया ना, आजकल जनरली क्वेश्चन देखते हैं ना केमिस्ट्री समय, वो अपवाद ही पूछेगा, जब अपवाद अरबज करके, क्योंकि उल्टा अपवाद तो सब बुझेगा सीधा है, लेकिन इसमें तो उल्टा वाला गॉप है। तो हम लोग ये देखेंगे इसमें आरएनएस का ब्रॉन्स्टेट आरएनएस, इसमें लिमिटेशन नहीं लिखा है आरएनएस का, हाँ वो तो हम लोग देख लेंगे। अब चलो, टेबल नया था तभी का हो गया, कौन टेबल स्टैंडर्ड सर, हाँ छोड़ो, आ देखो लिमिटेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ आरहेनियस थ्योरी, फिर आप प्रयास करेंगे, आरहेनियस थ्योरी, आरहेनियस सिद्धांत की सीमा, मतलब कि नहीं होता है कि सीमा सब आगे मत करो, चाहे उधर मत जाओ, इस सब के लिए लागू नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस लॉ के अनुसार सभी अम्ल जितना भी एसिड है और जितना भी क्षार है, बेस है, नहीं उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ ऐसे अम्ल और क्षार होते हैं, एसिड और बेस होते हैं, जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, लेकिन वो एसिड और बेस आपस में हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये एसिड है, एसिड है, और जानकर का असर लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हुए भी क्या है, ये एसिड है, एसिड है, जो कि NH3 क्या है, ये बेस है, NH3 क्या है, जो कि टूटेगा तो H+ में जो भी अपना होगा, लेकिन फिर भी ये क्या है, बेस है, तो उस लॉ का फॉलो नहीं किया वो, समझ जाएगा ना, उस लॉ का फॉलो नहीं किया, ये लिमिटेशन ऑफ आरएनएस थ्योरी हो गया। तो एग्जाम्पल तो याद रखना कि लिमिटेशन ऑफ आरएनएस थ्योरी क्या होती है, जो कि इम्पोर्टेंट्स है आरएनएस थ्योरी का लिमिटेशन, इस चीज़ को मैंने गूगल बाबा पर सर्च मार करके देखा था। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो लिमिटेशन ऑफ आरएनएस थ्योरी, यहाँ भी मेरे पास कुछ कंटेंट है, CO2 डिजॉल्व इन वाटर, जब तू कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर में डिजॉल्व करोगे ना तो प्रोड्यूस एन एसिड, तब वो क्या देती है, एसिड देती है। NH3 डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस ए बेस, जब NH3 को वाटर में डिजॉल्व करेगा तो क्या देगा, तो बेस देगा, पता चल जाएगा वहाँ से। नाइदर ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय आरएनएस थ्योरी, दोनों में से कोई भी तुम आरएनएस थ्योरी के अनुसार एक्सप्लेन नहीं किया था, ये बात समझ जाएगा ना, ये बात हो गई। फिर भी मैंने एक चीज है ना, गूगल पर ही सर्च मारे, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वेश्चन इससे काफ़ी आती है, मैंने सर्च लिखा था SO2 एसिड और बेस, गूगल पर आंसर क्या आया, ओरिजिनली आंसर्ड, हकीकत जो होती है, इज CO2 ए लेविस एसिड और बेस, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लिखा होगा, मतलब पूछ रहा है हमसे क्या है बताइए, हमने पूछा ये बात उससे, तो बताया हैंस सल्फर बींग डिफिशियंट इन इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैंस SO2 इज लेविस, उधर मत देखो, इधर क्या लिखा है, SO2 इज लेविस एसिड, बात खत्म है, समझा गया ना, इसीलिए कंफर्म हो जाना जरूरी है, SO2 क्या है, एसिड ही है, समझा गया इतना बात है ना, समझ में आ गया इतना बात,
है, ये तो हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट थ्योरी आती है ब्रॉन्स्टेंस एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, एसिड और बेस का डिफिनेशन है ना। बहुत सारा एसिड्स है मेरे पास, चलो ठीक है आगे जाएंगे फिर हम लोग देखेंगे। अब आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे, चलो एग्जाम्पल लिख देते हैं ठीक रहेगा। एसिड्स का भी एग्जाम्पल लिख देते हैं और बेस का भी एग्जाम्पल। बेस में देख लो, अभी जो पढ़ा ना एसिड्स, उसका एग्जाम्पल दो तीन गो राउंड देखबे किए थे। H2SO4 अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद HNO3 भी एसिड हो गया, नाम देखा था अभी उसमें। और हम कहीं से खोजेंगे जितना एसिड है ना, सब एक जगह लिखा हुआ। वहाँ क्या रखते हो? अरे वहाँ क्या रखते हो? तुम बेवकूफ़ हो क्या? उसके ऊपर बहुत तुम्हारा दिमाग नहीं, यहाँ रखेगा तब न जाएगा। उस पर थोड़े कैमरा है, कैमरा तो नीचा में ही है, यहाँ से आता है, से नीचे रोशनी मारेगा। अरे हिल जाएगा ना मोबाइल, यहीं रखो, हाथ में ही रखो, वैसे भी दिखता है, उसमें उतना बड़ा दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना? हाँ, कितना भी दिमाग लगा थोड़ा सा, समझ में आ गया ना, उसमें सब दिखता है, उसमें कहने वाला गप नहीं। आएगा लाइन, आएगा फोन किया भी आएगा, बोला दे देंगे बस। अब कर दिया जलता है कहता, ठीक है शांत रहो ना, पढ़ लो ना, तुमको दिख रहा है ना CH3COO-, नहीं H+ होती है, तो H+ को अलग कर दो तो H+ देगा तो एसिड हो गया। फिर बात करेंगे तो हम लोग C2H5O-H+ करके दिखाओ, या जल में घुलेगा तो ये देगा। फिर CH3O-H साथ में ही है, मतलब कर दिखा रहे हैं कि इसको जल में घुलेगा तो अलग देगा, अलग देगा तो H+ देगा। कुछ एसिड का एग्जांपल हो गया, कुछ बेस का एग्जांपल ले लो, अभी बेस भी पढ़ा था ना, तो कुछ बेस का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। और बहुत सारा एसिड है, हम लोग धीरे धीरे टॉपिक में जैसे इंटर मारेंगे ना तो पता चलेगा। अभी तो हम लोग थोड़ा टॉपिक के बारे में घूम फिर रहे हैं, तो ये बात तुमने देख लिया। बेस का एग्जांपल लेगा, जो बेस होती है जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड के प्लस को एच ब्रेक होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको जल में घोलेगा ना तो Mg+OH- में ब्रेक होगा, नहीं ये बात हो गई। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसमें OH आ जाती है तो समझ लेना वो बेस है, के CaOH2 होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया है ना, ये बात कुछ हो गया है ना। अब जैसे देखो तुम ये भी देखेगा कि सोप देखते हो ना, SOAP सोप में, और टूथपेस्ट मैंने पहले भी कहा था, इसमें क्या होती है अम्लीय मतलब क्षारीय गुण होती है, समझना क्या ना। और हम लोग टूथपेस्ट जब करते हैं ना तो मैंने बताया था कि इसमें जान लो ये भी कि क्षार ही क्यों रहता है उसमें, नहीं खाना वाना खाते हो ना तो मुँह में एसिडिक नेचर होती है, मुँह में एसिडिक नेचर होगा तो तुमको पता है एसिडिक नेचर होगा तो दांत ऊँत जो है ना, यदि हम लोग उसमें उसको न्यूट्रल करने के लिए बेस नहीं मिलाएंगे तो एसिडिक क्या करेगा, वो दांत का क्षय हो जाएगा धीरे धीरे, समझ में आ गया ना। दांत क्या होगा धीरे धीरे क्षय होने लगेगा, टूटना ब्रेक करना स्टार्ट हो जाएगा, हमको उसको करना न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रल करने के लिए हम लोग को बेस देना पड़ेगा, और हम लोग टूथपेस्ट में क्या लेते हैं, मुँह में बेस लेते हैं, तो बेस लेंगे इट इज एसिड बेस मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि बेसिक इफेक्ट क्या होगा उसमें ख़त्म हो जाएगा। इसे कभी कभी तो देखते हो कि कहता है ना एसिडिटी हो रहा है, उल्टी हो रहा है, वो एसिडिटी होगा, एसिडिटी कारण होती है। हम लोग उसको न्यूट्रल करने के लिए जो मार्केट में दिखाते हो इनो लेते, उसमें छारी नेचर होती है, होती है ना, उसको क्या करेगा ना करके न्यूट्रल कर देगा, सिर्फ उसका वही काम है, उसे तुम्हारा उल्टी होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी जान लो फैक्ट्स, एक फैक्ट्स और भी जान लो क्योंकि काफ़ी, अरे सुनो ध्यान से, बहुत कुछ जानकारी मिलेगा, जितना तुम सोच रहे हो उससे अधिक जानकारी देंगे। मैंने पहले ही सब चीज़ रखा हुआ है डायग्राम साथ, कल के समय हाँ तो कभी काल मिस्टेक हो जाती है, मोबाइल में से मीडियम रहता है, मान लो बहुत सारा होता है ना स्क्रीन शॉट इधर उधर का, भूल जाते हैं भेजने के लिए, समझ जाएगा ना। PH पढ़ाएंगे बाद में, अभी ये जान लो कि ये नहीं अभी बताना है, अभी जो बताना हम चाहते थे इमेज वाला गॉप, चलो आएगा तो देखेंगे। आगे चलो, जब आगे चलो, जब मनुष्य के
अमावस्य से कौन सा अम्ल निकलता है? उसका बात है हाइड्रोक्लोरिक। पता है नहीं बात? उसने पढ़ाई थी क्या दसवां वाला में? पता होगा ना? हाँ ये बात तो रहता होता है, जैसे बता दें तुम लोग इससे पूछ लेना जिसको नहीं होगा पता, बता देगा ना सबको, फिर भी बता देगा घुसने से तनी मनी लेगा ना, फिर में कहे बताएगा, इसका भी कहना तो सही है ना। बड़ा मेहनत से भी बोल अपना गंगा टपकाता है पढ़ने के लिए, तो तुमको तो कुछ ना कुछ सवाल करना पड़ेगा ना। अरे गंगे न हुआ ना, गंगा टपो तो कहता है पाप धुल जाए, इसमें तो पाप लग ले और सट जाएगा देह में। नहीं होगा, इधर उधर का जो केमिकल है उसमें ही आएगा, मतलब सब तरफ से, तू उसमें पैर धोकर जाएगा और पैर धोकर आएगा। कुछ ऐसे यहाँ पढ़ल लिखल लोग हैं कि अपना केमिकल उसी में डालेगा सांझ भोर, होते हैं ना। बारिश होगा तो गरक करके वहीं आएगा, अब तू टप कर जाते हो, हम तो कई महीने भर गए भी नहीं है। मजबूरी का नाम अब चलो आसमान में सही मजबूरी का। ब्राउन स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, लॉरी थ्योरी या लॉरी कॉन्सेप्ट, देखो इसके अनुसार से क्या होती है हम लोग समझेंगे, मैट्रिक में नहीं है, अब पढ़ रहे हो तो देखो इसके बाद जो कंटेंट पढ़ाएंगे ना तो अब चाहो तो तू नहीं भी जा भी सकते हो तो दिक्कत वाला बात नहीं है, फिर कल से तुम्हारा टॉपिक आएगा ना, तुम लोग का टॉपिक, अब इसके बाद पढ़ाएंगे इंटर का टॉपिक है, बैठना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो बैठ कर सुन सकते हो, कोई दिक्कत आ जाएगा यहाँ पर हमेशा। हाँ मतलब बोलिए गो कि इसके बाद तुमको हाँ आरएनएस ही मतलब पढ़ना था, थोड़ा सा इंटर के बैच में पढ़ा थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ मैट्रिक तो हम पढ़ाएंगे नहीं, हम डिटेल अध्ययन कर रहे हैं सब चीज़ का। हाँ अभी तक तो 100% था मैट्रिक ही, इंटर में भी सब चीज़ है। तो इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन एच प्लस देता है। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल मतलब एसिड वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? डोनर होते हैं, यानी कि प्रोटॉन देते हैं, है ना। प्रोटॉन क्या होते हैं? देता है, प्रोटॉन देता है मतलब एच प्लस, समझ में आ गया ना। अब कहेगा क्षार वे होते हैं तो एगो देगा तो एगो लेगा, एगो देगा तो एगो लेगा, क्षार मतलब बेस, बेस वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन समझते हो ना क्या है? एक्सेप्टर होती है, यानी कि जो प्रोटॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, यानी कि एच प्लस क्या करेगा? आयन देगा, ग्रहण करेगा। ये बात किसने बताया था? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार से अम्ल वे पदार्थ होते हैं, एसिड वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, प्रोटॉन दान कर यानी एच प्लस दान कर देगा, और क्षार वे जो एक्सेप्टर होते हैं, यही लाइन एग्जाम डिक्टो मारेगा लिखल वहाँ पर, देख सकते हो तुम बात को, समझ जाएगा ना। एसिड प्रोटॉन डोनर बेस, तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका, फिर क्या होती है। अब जैसे हम लोग को अभी तो पढ़ा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जल में घोलने पर एच प्लस आयन देंगे, इसलिए वो एसिड है, समझ जाएगा ना। और यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे HCl ले लो, HCl क्या है? एसिड है। HCl क्या है? एसिड है, एसिड है नहीं है, एसिड है तो नोट करो, एसिड है तो 2020 में नंबर उठाएगा। हाँ तो तुम लोग रिजल्ट आएगा तो ढोल पीटना, एक ढोलक ले लेना, जनगण मन अधिनायक जय हे, मैट्रिक फल जीवजन विधाता जय हे जय हे जय हे जय हे। नहीं समझ में आया? अरे फल डिजन करेगा तो डंका ने पीछे हाथों में, तब न पता चलेगा कि फलना फल डिजन किया है, पता तो नहीं चलना चाहिए ना कम से कम। देखो नहीं कहेगा ना गाँव वाला का तो तिलक आएगा तो नहीं देगा जय देश में, उसको बुढ़वा सबको रहेगा कान में फर्स्ट डिवीजन, तभी ना कहेगा नहीं लड़का तो फर्स्ट डिवीजन था, बड़ा वही करेगा और लोग भी मैंने उसी का देगा, थोड़ा सा जानकारी देना जरूरी है, नहीं जरूरी तभी बिकेगा। अरे अपने जानकारी में नौकरी ले लो, सब बात एक हो गया, चलो ठीक है। तो आप ये याद रखना चीज़ को, HCl क्या करेगा, वो ब्रेक कर जाएगा जल में घोलने पर या कहीं भी, जल में मतलब नहीं घोलेंगे यहाँ, प्रोटॉन एच प्लस में और किस में ब्रेक करेगा? HCl माइनस में, फिर दोनों पुनः, तो पुनः मिल करके दोनों
क्या बना लेगा एससीएल। देखो इसे कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन रिएक्शन कहा जाता है? जो रिएक्शन दोनों दिशा में होती है। एससीएल ब्रेक कर गया प्लस सीएल माइनस में फिर दोनों मिलाएगा तो क्या बना लेगा? इसे कहते हो रिएक्टेंट, इसे कहते हो प्रोडक्ट। प्रतिकारक और प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाया प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट बनाएगा रिएक्टेंट। इस टाइप से रिएक्शन को लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। कल बताया था मैंने इस चीज़ को। नहीं तो ये बात हो गई नहीं हुआ हैं हो गया तुम बोलो प्रोटॉन मतलब क्या होगा? प्रोटॉन मतलब जो ग्रहण करेगा। प्रोटॉन तो कौन चार्ज होता है? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज। तो मैंने बताया एसिड वो होगा जो प्रोटॉन क्या करेगा देता है। प्रोटॉन क्या करेगा देता है ना है हो। यहाँ पर Cl- क्या है? बेस है। क्या है? एक्सेप्ट किया है वो। यहाँ पर क्या है? प्लस है। और यहाँ पर क्या है? एक्सेप्ट है। इसमें भी प्लस है। प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा माइनस चार्ज होगा। संयुग्मी एसिड बेस है ना। कुछ और बताना पड़ेगा तभी टॉपिक होगा क्लियर। देखो यहाँ से लिखा है ना, थोड़ा सा जान लो इसके बारे में। इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना जरूरी था ना। देखो यहाँ से पता यहाँ सब हो जाएगा। NH3H2O रिएक्शन में हम लोग आगे इस रिएक्शन में समझा देंगे तुमको ये क्या होती है। सुनो थोड़ा सा साइंस के बारे में। डेनिस रसायनज्ञ जोहान्स ब्रॉनस्टेड 1874 से 1936 का जीवन काल रहा तथा अंग्रेज रसायन थॉमस एम लॉरी अंग्रेज है 1874 से 1936 में अम्लों एवं क्षारकों की एक है ना अम्लों एवं क्षारकों की एक अधिक व्यापक परिभाषा दी। मतलब अच्छा परिभाषा दिया नहीं। ब्रॉनस्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार अनुसार वे पदार्थ जो विलयन में प्रोटॉन क्या देते हैं एच प्लस देते हैं देने में सक्षम है जो जल में एच प्लस आयन देने में सक्षम है वो क्या होते हैं अम्लवे अम्ल है वो सही वो क्या है अम्ल है। और तथा वे पदार्थ जो विलयन में प्रोटॉन एच प्लस ग्रहण करते हैं विलयन के प्रोटॉन एच प्लस क्या करेगा ग्रहण करने में सक्षम है वे क्या होंगे क्षारक होंगे। संक्षेप में अम्ल क्या होते हैं प्रोटॉन दाता और क्षारक क्या होते हैं प्रोटॉन ग्राही। यहाँ हम NH3 के H2O में विलयन के उदाहरण पर विचार करेंगे। NH3 किस में डाल दिया है विलयन जल में डाल दिया है ई समझ में आएगा बढ़िया से। NH3 किस में डाल दिए हो जल में। अच्छा देखो ये लिखा भी बहुत बढ़िया से लिखा है ना हम लोग इसी को पढ़ेंगे। नहीं लिखा है अच्छा से इसी एग्जाम्पल लेकर पढ़ते हैं समझ में आएगा ना। अब देखो NH3 है एक्वस है यहाँ क्या किए हो जल में दोनों को इसको NH3 किस में डाल दिए हो जल में डाल दिए हो नहीं अच्छी है तो क्षार है अभी पढ़ा था तुमने NH3 क्या है क्षार है ना। अब इसको क्या किए हो जल में डाल दिए हो तो क्या होगा तो NH3 एक ले लेगा हाइड्रोजन इससे इसे डालेगा जल में ये क्या बना लेगा NH4 बना लेगा ये क्या बना लेगा NH4 एक्वस हो गया और एगो हाइड्रोजन से निकल गया था यहाँ क्या बचा तुम लोग का सिलेबस नहीं नया गैस में मत लेना यहाँ एगो हाइड्रोजन बच गया एगो बच गया ऑक्सीजन तो क्या बना लगा ओ एच माइनस क्योंकि जल में ये भी है इसीलिए ये भी एक्वस जल में ही रहेगा ना इसीलिए एक्वस लिखा वहाँ जलीय विलयन का घोल मिलेगा। अच्छा अब यहाँ देखो ये क्षारक है और H2O एसिडिक नेचर इसमें कुछ होती है अच्छी बात है। अब यहाँ से क्या होगा देखो प्रोटॉन लेता है NH3 है इस पर देखो क्या है इस पर NH प्लस है तो प्रोटॉन ये क्या किया प्रोटॉन एगो ले लिया ऐसे समझो तू थोड़ा समझो उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने परमाणु क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कौन चार्ज होगा माइनस चार्ज होगा समझो बात अंदर से बात लिखा है पल्ला नहीं पड़ता है भौतिक को।
इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, प्लस चार्ज होगा ना, माइनस, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो परमाणु पर कौन चार्ज होंगे, अरे प्लस चार्ज होगा, जैसे याद करो एक कंसेप्ट मैंने पीछे पढ़ाया था, उस चीज को याद करो उस कंसेप्ट को, जैसे क्लोरीन और सी एल माइनस के बारे में बात मैंने किया था। अच्छा तो ये है, अभी बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 17 को है, अच्छा बोलो इसमें प्रोटॉन कितना है, 17 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 18 होगा ना, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है ना, कौन चेंजिंग हुआ है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा बात है, बहुत खूब। अब चलो तू मैग्नीशियम बात करेंगे और एमजी हम लोग यहाँ बात करते हैं प्लस टू का, यहाँ इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन क्या होगा, 12। अच्छा यहाँ बोलो प्रोटॉन यहाँ क्या होगा, 12। अब बोलो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 10। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और 12 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को मतलब कैंसिल कर दिया, क्या प्रोटॉन बचा, यही दो प्लस है। अब बुझा प्लस रहेगा प्रोटॉन, उस अधिकता उतना बता रहा है, उस पर इतना अधिक प्रोटॉन है, जितना लिखा रहेगा ना प्लस उतना अधिक क्या बुझेगा, और जितना लिखा रहेगा मनुष्य मध्य क्या बुझेगा, इलेक्ट्रॉन बुझेगा, यानी कि उसमें प्रोटॉन, इसमें देखो 17 को प्रोटॉन है, 18 को क्या है, इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल होगा क्या बचेगा, नेगेटिव बच गया है ना, है ना, तो इस चीज़ को समझना है ध्यान से, अब समझ में आया वो, तो इसीलिए यहाँ पर जो बुक में लिखा है ना ये बात मेंशन किया हुआ है ना, पेज लाओ हम लोग कॉपी पर बनाते हैं चीज़ को, डायग्राम को समझते हैं उस पर फिर से, खत्म हो जाएगा एक्चुअली। अरे पेज, ये पेज का है दिया, कॉपी लेख हम क्या करेंगे, तुमको बनाएंगे इमेज की, कॉपी लेख हम क्या करेंगे, NS3 है ना ये, ये क्या है यहाँ से, हाँ छोड़ेंगे ना और बार यहाँ से लिखेंगे, दिक्कत इतना थिन लाया है तो फिर मतलब कैसे खत्म होगा, हाँ तो NS3 को जल में डाला है इस प्रकार से होगी रिएक्शन, नहीं ऐसे भी लिख NCERT ऐसे लिखा तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, NH4 प्लस बन गया, एक्वस लिखो यहाँ, घोल मिलेगा ना, प्लस यहाँ से क्या होगा OH- यहाँ से क्या होगा एक्वस होगा, अभी ये क्या है, क्षारक है, और ये मान लो जल है, जल का pH मान कितना होता है, उदासीन होता है, हम लोग एसिडिक नेचर लेके चल रहे हैं यहाँ पर से, समझ में आया ना, न्यूट्रल हो गया वो, शुद्ध जल है यहाँ तो शुद्ध जल है कि नहीं, ठीक है, तो ये छारक अम्ल बुक में भी इसी बात को लिखा है, नहीं ये कैसे होगा, ये बेस है एसिड है, हम लोग एसिडिक नेचर का जल लेके चलेंगे, इस बात को ध्यान रखनी है, समझ में आ गया ना, तो क्षारक है एसिडिक नेचर का वाटर लेके चल रहे हो, अब देखो यहाँ से क्या होगा, तो प्रोटॉन लेता है, अभी समझा, जैसे इस डस्ट पहले वाला पेज में क्वांटम लिखे थे कुछ, हम वहाँ पर लिखे थे ना, यहाँ पर एसएमजी प्लस टू है, तो यहाँ प्रोटॉन के 12 गो इलेक्ट्रॉन 10 कैंसिल, 2 गो अधिक प्रोटॉन, 2 गो प्रोटॉन बच गया ना, तो अब यहाँ NH3 है, तो अब देखो यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, अधिकता किसकी हो गई, प्रोटॉन का, इसीलिए बोलेंगे प्रोटॉन ले लिया इसने, समझना क्या ना, प्रोटॉन अरे प्लस है ना, तो प्लस मतलब प्रोटॉन, सीधा रखो ध्यान, मतलब दिमाग लगाना ही कुछ नहीं है, अभी पढ़ाने कंसर्न के अनुसार से प्रोटॉन क्या होगा देता है, और छारे पदार्थ प्रोटॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, है ना, तो ये हो गया NH3, और यहाँ से ये बन गया प्रोटॉन लेता है, समझ में आ रहा ना, प्रोटॉन लेता है, समझ में आ गया ना, काहे छोड़े थे उतना जगह ना, ये बात हो गई, प्रोटॉन ले लिया प्लस है ना, प्रोटॉन इसमें था कुछ हो, NH3 था इसमें सिर्फ, यहाँ पर क्या लिखा है प्लस, तो प्रोटॉन ले लिया, सीधी सी बात है, प्रोटॉन तो प्लस चार्ज होती है, ऐसे तुम समझो बात को, ऐसे करके समझ सकते हो ट्रिकली, अब देखो यहाँ पर क्या माइनस है तो प्रोटॉन क्या करेगा, मुक्त करेगा, माइनस वाला अभी तो क्या देखा था,
प्रोटॉन यहाँ क्लोरीन में अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 17 को था ना, यहाँ पर प्रोटॉन कितना होगा 17। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये प्रोटॉन क्या करेगी, मुक्त करेगी। ये H2O यहाँ से क्या किया, ये प्रोटॉन मुक्त करता है। प्रोटॉन मुक्त करता है। तो ये अब देखो, तो ये क्षारक था है ना, ये क्या था, क्षारक था। तो इससे ये जो बना है ना NH4+, इसको कहते हैं संयुग्मित अम्ल, कंजुगेट एसिड इसको कहते हैं, संयुग्मी एसिड को है इसको, तो क्या कहेंगे हम लोग, संयुग्मी एसिड, इसको क्या कहेंगे हम लोग, संयुग्मी एसिड। और इसको कहेंगे हम लोग कहाँ, संयुग्मिक होता है कंजुगेट, इसको कहेंगे कंजुगेट बेस, यानी इसी कारण अम्ल बना, इसी कारण कंजुगेट एसिड, मतलब इसी कारण अम्ल बना, इसी कारण कंजुगेट बनना क्या ना, कंजुगेट बेस, संयुग्मी क्षारक, समझ में आ गया ना। तो ये कुछ चीज़ को ध्यान में रखना है। तो प्लस वाला रहेगा तो बुझ जाना सीधा सीधे, देखो इसको कैसे रखा जाए ध्यान में, दिमाग लगाने नहीं, प्लस रहेगा तो बुझ जाना प्रोटॉन लेता है, माइनस रहेगा तो क्या बुझ जाना प्रोटॉन मुक्त करता है, और प्लस रहेगा तो संयुग्मी सीड, माइनस रहेगा तो संयुग्मी। अगला एग्जाम्पल देखो, एक ठो अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, HCl ले रहे हैं, HCl ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, ये क्या है, एसिड है। यहाँ मिला देंगे हम लोग वाटर, यहाँ वाटर ले रहे हो किसका, बेसिक नेचर का। तो ये तो लिक्विड फॉर्म हो गया, ये क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म। मोबाइल जला दो थोड़ा सा, टाइम हो गया क्या, ये लोग आ रहा है, 10 मिनट। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन इस प्रकार से होगी है ना। तो यहाँ से ये H आ जाएगा एगो, इसमें ये बना लेगा H3O+, और ये होगा किस नेचर का, एक्वस नेचर का, सही। तो यहाँ पर H2O हो गया, H2O से क्या बन गया, H3O+, यहाँ पर क्या है, प्लस है, यानी कि प्रोटॉन लेता है, समझ में आएगा ना, ये प्रोटॉन लेता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। और फिर यहाँ एगो हाइड्रोजन यहाँ चला था, जो कि यहाँ पर क्या बन गया, Cl- हो गया, और ये एक्वस ही रहेगा। तो यहाँ ये बना इससे ना, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोटॉन मुक्त करता है, ये वो देगा तो ये को मुक्त करेगा, तभी ना प्रोटॉन क्या करता है, प्रोटॉन मुक्त करता है, समझ में आ गया ना, प्रोटॉन मुक्त करता है। तो इसी के ये प्रोटॉन लेता है, तो प्रोटॉन लेने वालों क्या कहते हो, प्रोटॉन डोनर, आई वो एक्सेप्टर, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है ना, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर को बेस कहते हो, नहीं इसके इसी कारण एसिड बना, इसीलिए प्लस वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मित अम्ल, और ये क्या हो गया, संयुग्मित, संयुग्मी क्षार। चलो यहीं तक रखते हैं, फिर कल देख लेंगे हम लोग, ये कंसेप्ट कंप्लीट किए, समझना क्या ना, बेस एसिड है, कंजुगेट एसिड बेस, संयुग्मी अम्ल क्षार। चलो कल देख लेंगे आगे।